आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि उसके पॉलिसी मेकर्स और उसके मिनिस्टर्स ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक लोड शेडिंग कर रहे हैं, हालांकि वो लोड शेडिंग हुकूमत के कवानीन के खिलाफ है। बात सुने, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला हमारे साथ घंटों बैठ के तय करके गए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये हम तमाम सियासी जमातों की जीत है। अगर ये लोग कोऑपरेट करके हमसे उस फीडर्स के ऊपर लाइन लॉसेस को कम करवाएं। लिगारी साहब, मिनिस्टर फॉर पावर, आप प्लीज रिस्पॉन्ड। आप एजमेंट मोशन डालें, फिर आप पूरा दिन इस पे बात करें। ये आज का जो बिजनेस है इसको छोड़ तो नहीं सकते ना जी आप। या तो हाउस एजेंड कर लेते हैं, अगर आप सेंस दे दें कि ठीक है हाउस एजेंड कर दें, हम एजेंड कर देते हैं। जी मिनिस्टर साहब। जी बहुत मेहरबानी सर, मैं तमाम ऑनरेबल ऑनर्स का ऑनरेबल मेंबर्स का मशकूर हूँ। और ये वो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को बहुत अरसे से फेस कर रहा है हमारा मुल्क, और इन इश्यूज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के निज़ाम के अंदर जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज की वजह से बीमार हो चुका हुआ है, मुसलसल दहाइयों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की तरह इस शोबे में सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंसी आई है। हमारा एक्सीएन, हमारा एसडीओ, हमारा लाइनमैन, हमारा मीटर रीडर, एससी चीफ इंजीनियर, पीडीज, सीईओज, हमारे बोर्ड के मेंबर्स, इन सब ने माशाल्लाह पिछली कई दहाइयों में पूरा अपना हिस्सा डाला है इसके पूरे निज़ाम को ख़राब करने के लिए। हमारे मुल्क में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां बड़े लोग इस बात के ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि किसी मीटर रीडर की क्या हिम्मत है मुझे आके बिल पेश करे। हमारे एक्सीएंस और एसीज और एसडीओज और लाइनमैन आम दुकानदार से लेके जमींदार से लेके हर कारोबारी आदमी को सिखाते हैं कि बिजली किस तरह चोरी की जाती है, और ये तमाम चीजों की बीमारी सबसे पहले मैं इसको कन्फेस करूंगा कि हमारे अपने कंपनियों और इदारों के अंदर है। और फिर उसके साथ साथ हमारे मुल्क के बहुत ऐसे हिस्से हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, जहां बिजली के बिल नहीं दिए जाते, जहां न सिर्फ कुंडे लगते हैं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स रखे जाते हैं। इस वक्त 12,000 ट्यूबवेल एग्रीकल्चर का जो बलूचिस्तान में है, उसके अलावा 28,000 ट्रांसफॉर्मर इलीगल रखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर कुंडा नहीं। बात सुने, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर हमारे साथ घंटों बैठ के अपने चीफ सेक्रेटरी, अपने होम सेक्रेटरी के साथ हमारे साथ तय करके गए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैंने अखबारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कहा कि ये हम तमाम सियासी जमातों की जीत है। ये जहां नून लीग की जीत है, वहां पीपल्स पार्टी की भी है, वहां पीटीआई की भी है, वहां जमात इस्लामी की भी है और जेयूआई की भी है। अगर ये लोग कोऑपरेट करके हमसे उस फीडर्स के ऊपर लाइन लॉसेस को कम करवाएं, लाइन लॉसेस किस तरह कम होंगे? मेरे ट्राइबल एरिया के अंदर अभी ये ऑनरेबल एमएनए ने सिंध से बात करी थी, मैं अपना किस्सा बताता हूं आपको। फोर्ट मंडरू का ट्राइबल एरिया है पंजाब का, मेरे हल्के का हिस्सा है, वहां 95% लॉस था। आपके ख्याल में वजीर के ऊपर प्रेशर नहीं आता होगा? 2 घंटे सिर्फ बिजली वहां दी जा रही थी, वहां 24 घंटे आज बिजली इसलिए दी जा रही है क्योंकि 150 FIR वहां हुई एक फीडर के ऊपर, 18 ट्रांसफॉर्मर उठा के बंद किए गए। उसके बाद
18 लोगों को जेल में डाला गया, उसके बाद 225 मीटर नए लगाए गए, उसके बाद जब जीरो लाइन लॉस हुआ, उसके बाद उस ट्रांसफार्मर सॉरी उस पूरे फीडर के ऊपर आपकी आज 24 घंटे बिजली चल रही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कौन होता हूं 700 अरब रुपए के नुकसान को 1500 अरब के ऊपर लेके जाने वाला? सर्कुलर डेट की पेमेंट कौन करेगा? पैसा जो बिल देने वाला है वो अगले का नुकसान किस तरह भरेगा? हमारे केपीके की बहनें और मैं जो बिजली का बिल दे रही हैं, वो साथ वाली चोरी वाले का बिजली का बिल किस तरह देंगी? किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? इस पाकिस्तान के अंदर सवाय रेट ऑफ द गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मदद के साथ और हमारी कंपनीज की बेहतरी के साथ हल करने के अलावा कोई हल नहीं है, कतन कोई हल नहीं है। जो आपको झूठ बोलता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। इधर पावर की थेफ्ट को कंट्रोल किए बगैर इकोनॉमिक लोड शेडिंग का जो एक इलीगल काम है, रेगुलेटर हमें कहता है कि अगर ये करना है तो इसके ऊपर कानून चेंज करो। आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि उसके पॉलिसी मेकर्स और उसके मिनिस्टर्स ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक लोड शेडिंग कर रहे हैं, हालांकि वो लोड शेडिंग हकूमत के कवानीन के खिलाफ है। आप पाकिस्तान की हालात को तो देखें। मैं आज 700 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इन कंपनियों को ठीक करना होगा और आपकी मदद से करना होगा। मैं आज 3 MNAs इधर आए, मैंने सबसे गुजारिश की कि आप अपने फीडर का नाम बताएं, आप जाएं, हमारे मेरा स्टाफ आपके साथ जाता है, आप उधर बिजली चोरी कम करवाएं, अपनी पुलिस ले जाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहें हम हमारी हेल्प करें, 24 घंटे हम आपको बिजली खोल देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो एरिया करता जाएगा उसको 24 आज मेरे पास सरप्लस बिजली है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मुसीबत के अंदर हम इस वक्त डूबे हुए हैं, उसकी कैपेसिटी बिजली लेने वाले हैं और हमने बिजली बंद की हुई है। हर फीडर के ऊपर, हर फीडर के एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, द होल कंट्री, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दिस इज द ट्रूथ। Everybody who has been in the governance structure has been responsible for this. There is no doubt about that. I am responsible for this. And we have to take, responsibility and we have to sort these issues out. Minister sahab, ek suniye. बहुत सारे minister हमारे honourable members के concerns हैं, because ये हर हलके में जो है मसले हैं और everybody wants to speak. इधर आपको प्लीज बात करवाएं। ये आपको आपको मेंबर्स आके मिल लेते हैं, तब तक हम ये बिजनेस ले लेते हैं। आप बैठे हैं उधर, सरदार असद मलिक साहब बात करना चाह रहे हैं, पटेल साहब आप इनसे काइंडली मिल लीजिएगा।